प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बता दिया इसका, द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट आइडेंटिकल। मैंने तुम्हें बताया अगर अगर डीएनए जो है अगर उसकी एक स्ट्रैंड पे मान लो अगर ये है, एक स्ट्रैंड पे माना मैंने ए है टी है जी है सी है टी है ए है टी है इस तरीके से, तो दूसरी स्ट्रैंड में पूछेंगे पेपर में क्वेश्चन, पेपर में ये क्वेश्चन आता है बोर्ड पेपर में भी कि दूसरी स्ट्रैंड पे क्या होगा अगर एक स्ट्रैंड पे डीएनए की है, तो तुम क्या करोगे, एक जगह टी लगा दोगे, टी की जगह ए लगा दोगे, जी की जगह सी लगा दोगे, सी की जगह जी लगा दोगे, टी की जगह ए लगा दोगे, एक जगह टी की जगह ए, तो दूसरी स्ट्रैंड पे ही आएगा, कोई डाउट किसी को? और ए के साथ टी है तो डबल हेडेड बॉन्ड, जी के साथ सी है तो ट्रिपल हेडेड बॉन्ड, ए के साथ टी है तो डबल हेडेड बॉन्ड, टी के साथ ए है तो डबल हेडेड बॉन्ड, जी के साथ सी ट्रिपल हेडेड बॉन्ड, समझ आया कोई डाउट किसी को? पर ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बायो वाले बच्चों को पता होगा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जैसे दो बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 0.3 नैनोमीटर का होगा, इस तरीके से टर्न्स ऑफ हेलिक्स में जो डिफरेंस होगा वो 3.4 नैनोमीटर का होगा, ये सब अगर करना है तो देख लेंगे एक बार, अदरवाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हेलिक्स का डायमीटर जो होता है वो 2 नैनोमीटर का होता है, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देंगे, इसे इसको नहीं करना कोई। अच्छा अब यहाँ तक मैंने बता दिया मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड मैंने बता दिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसने बताया द सीक्वेंस इन विच वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग 4 बेसिस आर लिंक्ड टू वन अनदर थ्रू शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर देता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि जैसे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, कैसे पता लगा, पहला शार्गव रूल, उसने बोला कि ए हमेशा, उसने बोला ए के मोल्स हैं वो टी के इक्वल होंगे, जी के मोल सी के इक्वल होंगे, फिर आया बेस पेयरिंग प्रिंसिपल, उसने बोला ए हमेशा पेयर करेगा टी के साथ थ्रू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी हमेशा पेयर करेगा सी के साथ थ्रू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो इसलिए जो दो स्ट्रैंड्स होंगी डीएनए की वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, दिस इज बेस पेयरिंग प्रिंसिपल, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट आइडेंटिकल, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट आइडेंटिकल, तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डीएनए, जैसे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए के अंदर, तो एक बार जल्दी से सुन लेंगे, स्ट्रक्चरल डिफरेंस और फंक्शनल डिफरेंस अलग अलग आता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस और फंक्शनल डिफरेंस ये बार सुन लेंगे, फिर हम आगे करेंगे डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। जैसे आरएनए है और डीएनए, मैं सिर्फ बोलूंगा सुन लेंगे एक बार, डीएनए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आरएनए हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीएनए हमारा डीऑक्सी राइबोनुक्लिक एसिड है, तो आरएनए और डीएनए में डिफरेंस, पहला पॉइंट कि आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, आरएनए क्या है सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और डीएनए क्या है डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए क्या है डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आरएनए के अंदर जो शुगर होती है वो बीटा डी माइनस राइबोज होती है, आरएनए के अंदर शुगर क्या है बीटा डी माइनस राइबोज, और डीएनए के अंदर जो शुगर होगी, डीएनए के अंदर जो शुगर होगी वो होगी बीटा टू डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, ये मैंने बता दिया तुम्हें बीटा टू डीऑक्सी डी माइनस राइबोज ये शुगर होगी। तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट बता दिया मैंने कि अगर मैं आरएनए का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या मिलेगा, बताओ जल्दी, पता होगा सबको आरएनए का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बेस और शुगर, बेस और शुगर, आरएनए का हाइड्रोलिसिस करेंगे बेस शुगर, और डीएनए का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बोलो क्या मिलेगा बेस शुगर और फॉस्फेट, बेस और शुगर और फॉस्फेट तीनों मिलेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसका तीसरा, आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, आरएनए मेनली इन साइटोप्लाज्म, और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए प्रेजेंट मेनली इन द न्यूक्लियस, आरएनए इन साइटोप्लाज्म और डीएनए मेनली इन न्यूक्लियस, आरएनए के मॉलिक्यूल छोटे सिंगल है ना, सिंगल हेलिक्स है ये, तो आरएनए के मॉलिक्यूल छोटे होंगे और कम मॉलिक्यूलर मास होगा, डीएनए के मॉलिक्यूल बड़े होंगे और ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, आरएनए के मॉलिक्यूल छोटे कम मॉलिक्यूलर मास, डीएनए के मॉलिक्यूल बड़े और ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, नोट कर रहे हो ना साथ साथ, ये लिखते रहना साथ साथ, लिखना जरूर, लिखोगे नहीं तो फिर नहीं समझ आएगा कभी। तो नेक्स्ट है कि शुगर मैंने बता दिया, अब फंक्शनल डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं फंक्शनल डिफरेंस, फंक्शनल डिफरेंस क्या है, फंक्शनल डिफरेंस पहला पॉइंट, डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है, बताऊंगा मैं क्या है रेप्लिकेशन, डीएनए मतलब एक तरह से फोटो कॉपी जनरेट करना, ठीक है ना, आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट, नो रेप्लिकेशन, और डीएनए क्या करेगा रेप्लिकेट, सर ये डिसीज में होता तो है आरएनए रेप्लिकेट, कौन बोल रहा है
आयुष कुनाल कुनाल हाँ बोल सर, आरएनए एचआईवी के डिसीज में वायरस की वजह से रेप्लिकेट हो तो जाता है? नहीं, वो ऐसा ना कि ये जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो डीएनए की है, वो कई केसेस में हो गया, बात अलग है, वो हमें डिटेल में नहीं जाना उतना, हमें लिखना सिंपल ये पॉइंट है फंक्शनल डिफरेंस के अंदर, डीएनए डज नॉट डीएनए रेप्लिकेट, डीएनए इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, आरएनए डज नॉट रेप्लिकेट। फिर दूसरा जो आरएनए है वो कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए कंट्रोल्स हेरिडिटी ट्रांसफर, डीएनए कंट्रोल्स हेरिडिटी ट्रांसफर। तो ये दो फंक्शनल डिफरेंस याद रखने हैं, समझ गए कि नहीं? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, एक बार मैं स्ट्रक्चरल डिफरेंस बता रहा हूं तुम्हें, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, तो ध्यान देंगे, स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो मैं अगर बात करूं न्यूक्लियोसाइड की, न्यूक्लियोसाइड की, तो बेस और शुगर से मिलकर बनता है न्यूक्लियोसाइड, अभी बताया मैंने पीछे, बेस प्लस शुगर क्या देता है, न्यूक्लियोसाइड, बेस प्लस शुगर। अगर मेरे को सिंपल शो करना है तो मैंने दिखाया ये बेस और शुगर, ध्यान देंगे, ये आ गया एच बेस, शुगर कौन सा था, ओस था ऊपर, तो बेस दिखा दिया, सिंपल बना दो बेसिक, ये बना दिया बेस, ऐसे बेस मैंने बहुत सारे बताया अभी तुम्हें किस तरह से बनाते हैं, तुम्हें पता है ये एन और ये जोड़ दो इसके साथ, ये बेस, ये ऊपर क्या है बेस, बेस बी लिख दिया मैंने बेस, फिर एच ओ एच, एच ओ एच, सी एच टू ओ एच, एच, ये बेस और शुगर जुड़े हुए हैं, सही ना, बेस और शुगर जुड़े हुए हैं, ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। और कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर तुम्हें दिखाना है, ध्यान देना, अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाना है तो इस बेस के बनाना एडेनिन, इस बेस के बनाना एडेनिन और पांच वाली रिंग के एच को हटाकर जोड़ देना, बेस के बनाना एडेनिन, बना के दिखा दूं कि समझ आ गया है, समझ आ गया कि बना दूं मैं एक बार, आ गया सर, ऊपर तुम्हें क्या करना है, पांच वाली रिंग से इसको जोड़ देना, कोई पूछेगा नहीं डिटेल इतनी, तुम्हें सिंपल क्या बनाना है, एडेनिन बनाना है, एडेनिन एक मिनट बन जाता जल्दी से बना देता मुझे, यहाँ एन, यहाँ एन, ये 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 एन डबल बॉन्ड एन एच, एन एच ये है ना, और नीचे जो शुगर होगी, शुगर का ये, यहाँ जो ओ एच है ऊपर की तरफ, ये OH और H बाहर, ये बाहर, समझ गए कि नहीं, इसको बाहर करना पांच वाली इनके H और OH को, बाकी तुम जोड़ देना नीचे पूरा, वही है सेम वैसे ही, नीचे सेम वैसे ही है, सही है, बात समझ गए कि नहीं है? तो इस तरह से करना है, बेस और शुगर, अगर ये मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड, ये स्ट्रक्चर किसका पड़ा हमने, न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। अब ऐसे न्यूक्लियोटाइड में क्या आएगा, न्यूक्लियोटाइड में, सर न्यूक्लियोटाइड में NH2 भी तो होता है ना इसमें, सर हाँ अच्छा उसमें NH2 तो आएगा, हाँ हाँ ऊपर आएगा NH2, वो मैं ये दक्ष मैंने थोड़ा जल्दी बताया ना, तरीका बता दिया कैसे करना है, बाकी एडेनिन है और पांच वाले, मेरे को मेन ये बताना था कि ये पांच की रिंग जो है ये जुड़ रही है नीचे OH के साथ, ये बताना था मैंने, वो तुम खुद बना के देखना स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है, अब न्यूक्लियो, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या लेंगे, न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन लिया, मान लो एडेनिन लिया मैंने बेस, और नीचे शुगर लिया बीटा टू डीऑक्सी डी माइनस राइबोज वाला, और साथ में फॉस्फेट यूनिट, उसको भी मैं जोड़ के दिखा देता हूँ एक बार, देखेंगे एक बार, उससे और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा, ये ली मैंने छह की रिंग,
ये छह की रिंग, ये N डबल बॉन्ड N और ये H, ये बना दिया और यहाँ पे N आना था, यहाँ N आना था और ये बॉन्ड, एक मिनट ये गलत हो गया, बॉन्ड आएगा हमारा ऐसे इस तरीके से करके, यहाँ पे और यहाँ पे, और ऊपर आ गया NH2, ये आ गया और इसके बाद यहाँ नीचे आएगा शुगर, शुगर बनाना है तो ये O ऊपर ओ एच ऊपर ओ एच, वाटर निकलेगा बाहर, यहाँ एच यहाँ एच, क्योंकि ये डीएनए की शुगर है, एच ओ एच और तीसरे पे एच और सी एच टू ओ के साथ ओ एच होता है ना, ऊपर आएगी फॉस्फेट की यूनिट, किसकी यूनिट आएगी फॉस्फेट, मैं वो भी तुम्हें बता देता हूँ पहले कैसे बनेगी फॉस्फेट की यूनिट, ओ एच और फॉस्फेट की यूनिट लेना है इस तरीके से, पी डबल बॉन्ड ओ, फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, फॉस्फोरिक एसिड के दो जगह से ऐसे हटा देना, ये ऐसे होना चाहिए और ये वाटर बाहर, इधर ध्यान देना, ये वाटर यहाँ से इस तरह से बाहर हो जाएगा, एच इसका ओ एच इसका, समझ गए कि नहीं, ये बना लोगे कि नहीं, ये बेस शुगर और फॉस्फेट अगर है, बेस शुगर और फॉस्फेट है तो वो होगा हमारा न्यूक्लियोटाइड, ये मैंने पूरा न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाया है, वाटर यहाँ से बाहर, ये रहा, समझ आ गया कैसे करना है, बेस शुगर और फॉस्फेट, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ तुम्हें, नोट कर लिया है, यस सर, नोट कर लिया कि नहीं, यस सर, अब इसको बनाने का तरीका और सिंपल, जैसे अगर मेरे को और सिंपल तरीका दिखाना है तो तुम्हें मैं ये हटा के दिखा रहा हूँ, पेपर में तुम ट्राई करना वैसे ही बताना, ये हटा दिया मैंने पूरा बेस, ये हटा दिया और इधर लिख देना सिंपल बेस, बेस ये शुगर और ऊपर फॉस्फेट यूनिट, फॉस्फेट यूनिट दिखा देता हूं मैं हटा के, ये हटाया पूरा और ओ के साथ पी डबल बॉन्ड ओ और ओ नेगेटिव, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, क्लियर, दिस इज कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ये न्यूक्लियोटाइड है, इसको कोई डाउट, नो सर, तो यहाँ पे मैंने बता दिया, अब नेक्स्ट नोट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है, जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लाइकोसाइड लिंकेज है, प्रोटीन के अंदर हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके अंदर होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, इसमें क्या होगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जिसको मैं डाइएस्टर लिंकेज भी बोल सकता हूँ, ध्यान देना इसको, क्योंकि दोनों साइड ओ माइनस है, तो ओ आर आ सकता है, ओ आर इधर आ सकता है, ओ आर इधर आ सकता है, तो डाइएस्टर लिंकेज है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, नाउ फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, क्लियर, नाउ फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, बेस लिया मैंने, ध्यान देंगे पूरा लेते हैं, बस बेस ले लिया और जोड़ दिया शुगर के साथ इस तरीके से, ये बेस जुड़ा ऊपर नीचे, ये रहा ये H ऊपर CH2 O P डबल बॉन्ड O ऊपर डबल बॉन्ड O है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, एक मिनट ऊपर O नहीं बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा ऊपर, डबल बॉन्ड, ये समझ गए कि नहीं, दिस इज वन, ये यहाँ पे H H H O H, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, किसी को कोई डाउट है, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, किसी को डाउट तो नहीं, कोई बेस शुगर और फॉस्फेट यूनिट, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, नंबरिंग भी लिख लेंगे एक बार, दोबारा बनाना तो दोबारा बना देता हूं, ऊपर डबल बॉन्ड ओ है जो दिख नहीं रहा ढंग से, पी डबल बॉन्ड ओ है ऊपर, ये वन टू थ्री फोर और ये फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, और ऊपर तीन तो ओ है, दो ओ नेगेटिव वाले है, ऊपर डबल बॉन्ड ओ, वन टू थ्री फोर फाइव, पोजीशन याद रखना, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है अभी मेंस के अंदर आया था, बहुत डिटेल में क्वेश्चन था, जिसको सच्चा नहीं आता उस क्वेश्चन नहीं कर पाएगा वो, तो बेस शुगर फॉस्फेट एक ले लिया, ऐसे ही दूसरा ले लेंगे, बेस शुगर फॉस्फेट सेम, बेस शुगर फॉस्फेट दूसरा ले रहा हूं मैं, और लिंकेज जो होगी
मैंने तुम्हें बोला था अभी 5 प्राइम, एक ऊपर अगर 5 खाली है, अगर ऊपर 5 खाली है तो नीचे 3 खाली होना चाहिए, ऊपर 5 खाली तो ऊपर 5 के बॉन्ड कंटिन्यूएशन में होगा तो नीचे 3 के साथ होगा, तो नीचे 3 के साथ कंटिन्यूएशन में होगा, तो ये लिया मैंने यहाँ पे। ये लिया H, ऊपर लिया B लिख रहा हूं मैं, बेस एच 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 ओ एच एच सी एच टू ओ पी ओ एच ले लेते हैं यहाँ पे वाटर बाहर निकालने के लिए, डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, ये चीज आ गई ना। अब ऊपर लिंकेज होगी, देखो नंबरिंग दे रहा हूं इसको, नंबरिंग 1 2 3 4 5, देखो अब इसका तीसरा कार्बन, ध्यान देना ऊपर क्या खाली है, मैं दोबारा शो कर रहा हूँ किसी और पेन से कलर से, देखो ऊपर खाली क्या है, पांचवा, ऊपर पांचवा खाली, इसका तीसरा यहाँ पे H, ये O, इसका तीसरा खाली रहेगा, ये तीसरा इसका खाली रहेगा, और ये लिंकेज हो गई वाटर बाहर, और इसी को लिंकेज को बोलेंगे यहाँ पे फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज थ्रू विच टू न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर लिंक्ड, इसी को बोलेंगे फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज थ्रू विच टू न्यूक्लियोटाइड्स विल बी लिंक्ड। ये हटा रहा हूं मैं ऐसे बॉन्ड ऊपर, अब बना के दिखाता हूं और कैसे होगा, ये इस तरीके से ये ओ यहां से जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, समझिए कि नहीं है, और इस लिंकेज को ही बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज, दिस लिंकेज ओनली, ये लिंकेज जो है इसको बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज, क्लियर, दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट तो नहीं किसी को, और कितने में जुड़े हुए इसमें, बोलो कितने हमने जोड़े न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर, दो जोड़े ना तो डाई न्यूक्लियोटाइड है, तीन जोड़ेंगे ट्राई न्यूक्लियोटाइड, चार जोड़ेंगे टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, इस तरह चलता रहेगा, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे जुड़ेंगे तब जाके एक हेलिक्स बनेगा, तब जाके एक हेलिक्स बनेगा, इस तरह से, समझ गए कि नहीं ये, यस सर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बता दी यहाँ पे, आज ही पढ़ देना क्योंकि थोड़ा बायो वाला काम है इसके अंदर, नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा ये, तो अब एक एक टेम्परेचर होता है मेल्टिंग टेम्परेचर, ध्यान देंगे मेल्टिंग टेम्परेचर, ये एक हेलिक्स चल रहा है सपोज, ये इस तरह से ये एक हेलिक्स चल रहा है, ये दूसरा हेलिक्स चल रहा है, एक हेलिक्स में आया सपोज ए टी ए सी जी सी टी ए और सपोज यहाँ सी आ गया ए सी, तो अब इसमें दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, दूसरे वाले में ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या आ जाएगा, ए के साथ तो टी आएगा, टी के साथ ए आएगा, ए के साथ टी आएगा, सी के साथ जी आएगा, जी के साथ सी आएगा, सी के साथ जी आएगा, टी के साथ ए आएगा, और ए के साथ टी आएगा, सी के साथ जी आएगा, कोई डाउट किसी को, तो ये जुड़ेंगे दोनों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, नहीं ये किससे जुड़ेंगे, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, इधर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, फिर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, समझ गए कि नहीं, ये ऐसे जुड़े होंगे, ये ऐसे जुड़े होंगे। अब यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब दोनों स्ट्रैंड्स, दो स्ट्रैंड्स डीएनए की पार्शियली अनवाइंड हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग टेम्परेचर, या फिर एक एंजाइम होता है डीएनए रेप्लिकेसिस, जैसे ही स्ट्रैंड्स के पास आएगा तो ये दोनों पार्शियली अनवाइंड हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग टेम्परेचर, समझ आया मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, द टेम्परेचर एट विच द टू स्ट्रैंड्स पार्शियली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, द टेम्परेचर एट विच द टू स्ट्रैंड्स पार्शियली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग टेम्परेचर, कोई डाउट किसी को, ऐसा टेम्परेचर जब दोनों स्ट्रैंड्स पार्शियली सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से उसे बोलेंगे मेल्टिंग टेम्परेचर, नहीं समझ आया, समझ आ गया कि नहीं है,
यस सर हाँ, तो ये ध्यान रखना चीज का, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है मैंने बता दिया तुम्हें। अब उसके बाद अब मान लो किसी दो डीएनए एक सैंपल मैंने तुम्हें दिखा रखा है यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, दो सैंपल दे रखे हैं ऐसे, एक का मेल्टिंग टेम्परेचर है सपोज, एक का मेल्टिंग टेम्परेचर है 340 केल्विन और दूसरे का मेल्टिंग टेम्परेचर है 350 केल्विन। बताओ इससे बेस सीक्वेंस के बारे में क्या पता लगेगा दोनों डीएनए सैंपल्स के। एक सैंपल मैंने शो कर रखा है ऐसे ही, दो सैंपल्स हैं, एक का मेल्टिंग टेम्परेचर है 340 केल्विन, एक का है 350 केल्विन। इससे उनके अंदर जो बेसिस है उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी और कौन सा डीएनए का सैंपल ज्यादा स्टेबल है? जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर, ध्यान देना सेजल, बोलो आंसर क्या आएगा सेजल? सर 350 वाला ज्यादा स्टेबल और जीसी कंटेंट ज्यादा। बहुत अच्छे सेजल। देखो जो 350 केल्विन वाला है इसका मतलब उसके अंदर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड वाले पेयर्स ज्यादा होंगे, यानी जीसी पेयर्स ज्यादा होंगे उसके अंदर, बस सिंपल सा ऐसे सब बोलना और कुछ नहीं। दैट मींस जीसी पेयर्स इन द डीएनए सैंपल व्हिच हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 350 केल्विन विल बी मोर। जीसी पेयर्स 350 केल्विन वाले में ज्यादा होंगे और वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये बोर्ड में क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं ऐसे, समझ आया कि नहीं? ये समझ आया कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। दूसरा पॉइंट इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है एक अभी ना, ये उसमें आया था केवीपीवाई में, एक कोई ई डॉट कोलाई हार्मोन है या फिर कुछ है ऐसा जिसके अंदर 80/GC का रेशियो दे रखा है। जिसके अंदर क्या दे रखा है? 80/GC का रेशियो, मैं इसे यहीं पर रख देता हूँ, पर 80/GC का रेशियो दे रखा है। दूसरा ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर है, दिस इज से 0.93, 80/GC का रेशियो है 0.93 और बोला कि अगर एडिनिन के मोल्स हैं 93,000, अगर एडिनिन के मोल्स हैं 93,000 तो ग्वानिन के मोल्स कितने होंगे? ये क्वेश्चन है, 80/GC का रेशियो दे रखा 0.93, 80 मतलब A प्लस टी होता है, GC मतलब G प्लस सी होगा, समझे कि नहीं? 80 मतलब A प्लस टी, GC मतलब G प्लस सी। तो 80/GC का रेशियो दे रखा है 0.93 और एडिनिन के मोल्स दे रखे हैं 93,000, एडिनिन के मोल्स दे रखे हैं 93,000 तो ग्वानिन के मोल्स कितने होंगे? एडिनिन के मोल्स 93,000 तो ग्वानिन के मोल्स कितने होंगे? वन लाख। बिल्कुल सही है, 80 है और A plus T, 1 लाख। हाँ बिल्कुल सही है, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना। 80 का मतलब A plus T, GC मतलब G plus C, ये आ गया। तो 80 A plus T को मैं ट्वाइस ऑफ A ले सकता हूँ क्योंकि A और T इक्वल होते हैं हमेशा, चार कैप्सूल, और G plus C को मैं लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ G, दिस इज इक्वल टू 0.93, 2 से 2 कैंसिल, एडिनिन के मोल्स दे रखे हैं, साइटोसिन के निकल जाएंगे, समझे कि नहीं? एडिनिन के मोल्स दे रखे हैं, साइटोसिन के निकल जाएंगे या ग्वानिन के निकल जाएंगे, जो साइटोसिन के वही ग्वानिन के, समझ आया कि नहीं? ये यस सर। काल हर्षिल तुषार यस सर। ये केवीपीवाई में क्वेश्चन पूछा था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर सकते हैं। एटी का मतलब होता है ए प्लस टी। अब एक नोट करेंगे यहाँ पे, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ मैं इधर ही क्योंकि मेरे को डायग्राम को यूज करना है। नोट करेंगे, बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, पहला फंक्शन रेप्लिकेशन, फर्स्ट फंक्शन इज रेप्लिकेशन, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड फर्स्ट फंक्शन इज रेप्लिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछते हैं पेपर के अंदर। जैसे मैंने क्वेश्चन बताया तुम्हें, दैट टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट आइडेंटिकल, वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही डिफाइन रेप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन, रेप्लिका फोटोकॉपी तरह से बोलते हैं, रेप्लिकेशन ऐसा प्रोसेस बाय विच ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, द प्रोसेस बाय विच ए सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ, प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। समझ गए कि नहीं? ये डेफिनेशन, डेफिनेशन क्लियर हो गई? यस सर। अब इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव।
रेप्लिकेशन कैसे होता है एक्चुअली ध्यान देंगे, रेप्लिकेशन होता कैसे है ध्यान देना नीचे की तरफ, इसी में जो मैं रब कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेसिस एंजाइम आएगा इस सैंपल के सामने, जो सैंपल शो हो रहा तुम्हें, जैसे ही डीएनए रेप्लिकेसिस एंजाइम आएगा, जैसे ही मेल्टिंग टेम्परेचर मिलेगा या फिर जैसे ही मेल्टिंग टेम्परेचर मिलेगा इस सैंपल को, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स पार्शियली अनवाइंड कर जाएंगी। मैं नीचे बॉन्ड तोड़ रहा हूं, ये पार्शियली अनवाइंड कर गई, ये पार्शियली अनवाइंड कर जाएंगी। अनवाइंड करने के बाद अब ये डीएनए की प्रॉपर्टी है कि अपने आप ही ए के साथ टी आना चाहिए और टी के साथ ए आना चाहिए, तो एक नई स्ट्रैंड जनरेट होगी, यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रैंड आ गई, एक यहाँ पे दूसरी स्ट्रैंड आ गई, ये आ गई। अब इस ए के साथ ये टी आ गया, ध्यान देंगे इस ए के साथ आ गया ये टी, और इस वाले टी के सामने जो राइट पे बिल्कुल टी है, जो राइट पे बिल्कुल टी है, उसके सामने क्या आ जाएगा, उसके सामने आ जाएगा ए, और जो सी है इसके साथ यहां आ जाएगा जी, और इस वाले जी के सामने यहां आ जाएगा ए। समझ आया कुछ कि नहीं है? तो एक देखो नया सैंपल बन गया डीएनए का, ये ए के साथ टी, सी के साथ जी, ट्रिपल सी नहीं आएगा, एक मिनट, हाँ सी आएगा, सॉरी सी आ गया, ट्रिपल एंडमोन, समझ गए? नहीं तो ये अब दो सैंपल बन चुके हैं, और ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव क्यों है वो भी तुम समझ आ गया होगा। एक पुरानी स्ट्रैंड है तो एक नई स्ट्रैंड है, एक पेरेंट्स की स्ट्रैंड है तो एक ऑफस्प्रिंग की स्ट्रैंड है। तो ये यहाँ पे एक मिनट रुकेंगे, तो ये देखो ये दिखा रहा हूं मैं आपसे, ये एक सैंपल, ए के साथ आएगा टी, ये एक सैंपल, तो ये ए के साथ टी, देखो बिल्कुल सेम है दोनों, प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ। नहीं क्लियर हुआ ये? समझ आएगा? दोबारा नेक्स्ट पेज पे बता दूं मैं एक बार दोबारा, आ गया सर, क्लियर है? तो इस तरह से ये रेप्लिकेशन है, द प्रोसेस बाय व्हिच अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, इसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव क्यों है, क्योंकि एक तो पुरानी स्ट्रैंड है, देखो इधर एक पुरानी स्ट्रैंड, ये पुरानी वाली स्ट्रैंड है, तो एक ये नई जनरेट हुई, ये पुरानी वाली स्ट्रैंड, तो एक नई वाली जनरेट हुई, समझे कि नहीं? देयरफॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव, समझे कि नहीं? देयरफॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो ये पहला फंक्शन था, मैंने बता दिया बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में, पहला था ये रेप्लिकेशन। क्वेश्चन इसमें आ सकता है डिफाइन रेप्लिकेशन या व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, बिकॉज़ ओनली वन हाफ ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड, बिकॉज ओनली वन हाफ ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड इज कंजर्व्ड एंड ए न्यू वन इज सिंथेसाइज्ड, एंड ए न्यू वन इज सिंथेसाइज्ड। नोट जिसके पास है बहुत प्रॉपर डायग्राम बना के दे रखा है उसके अंदर। तो नेक्स्ट है जो, नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं करना, डिटेल कोई नहीं करनी इसके अंदर, मतलब क्या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वो सब टर्म्स इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिंपल करना है इसके अंदर कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है इट इज डन विद द हेल्प ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ आरएनएस, बस इतना, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ आरएनएस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, बस। प्रोटीन सिंथेसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, क्लियर होगी बात की नहीं है? तो न्यूक्लिक एसिड जो है इसके अंदर यहाँ पे और कुछ तो बचा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, ये खत्म हो चुका है। बस ए का टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जी का सी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये भी तुम्हें आना चाहिए। ए का सी एक बार खुद ट्राई करना, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें बता दूंगा ये, ए का टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे, जो तुम जोड़ोगे छह की रिंग जो है, छह के रिंग में ए का टी के साथ डबल हाइड्रोजन बना ना, भी उन्होंने पीछे बताया जो ए का, जैसे एडेनिन का थायमिन के साथ है, सपोज एडेनिन का थायमिन के साथ क्या है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो ये क्या करना है तुम्हें इसके अंदर तुम्हें एडेनिन और थायमिन बनाने हैं और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों को जोड़ना है। और डबल एडेनिन के अंदर दो रिंग थी, एक छह की एक पांच की, छह की रिंग वाले जो दो कंटिन्यूस वाले हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं उनको लेना, और थायमिन के दोनों को जोड़ देना डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से,
छह की रिंग वाले जुड़ेंगे, ऐसे ही जी का सी के साथ क्या है ट्रिपल हेड बॉन्ड, तो इसमें भी कौन से लोगे छह की रिंग लोगे, छह की रिंग वाले दो एक साथ जो है कोई भी दो एक साथ जो डबल ट्रिपल हेड बॉन्ड बना सकते हैं, तीनों एक साथ, दो एक साथ नहीं तीन एक साथ, तीनों को लेना एक साथ और सी के साथ जोड़ देना, ये खुद ट्राई करना, नहीं तो मैं एक बार बता दूंगा तुम्हें कि किस तरीके से डबल हेड बॉन्ड और ट्रिपल हेड बॉन्ड, तो ये एक बार ट्राई कर लेना इस चीज को, खुद ट्राई कर लेना इसे और नोट करना आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट नोट करते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा ये वाली चीज भी, विटामिन्स नोट कर लेंगे जल्दी से, विटामिन्स लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, सही ना। विटामिन्स, विटामिन्स क्या होते हैं, जो कि बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमें, सही ना, जो कि बहुत कम क्वांटिटी में हमारी डाइट में चाहिए होते हैं फॉर मेटाबॉलिज्म, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, दे आर रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी एंड हैव टू बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन आवर बॉडी टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए भी चाहिए होते हैं, एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी विटामिन्स चाहिए होते हैं, तो इनकी डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी होगी तो फिर ए विटामिनोसिस होता है, एक्सेस में कई लोग, चलो एक बार बता देता हूँ इसमें टाइप्स, पहले टाइप्स नोट कर लेंगे, एक विटामिन, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, और एक होते हैं फैट या ऑयल सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल या ऑयल सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, ये सबने पढ़ा भी होगा 9th-10th क्लास में, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल हुए बी कॉम्प्लेक्स B1, B2, B4, B6, B12 एंड C, ये पानी में सॉल्युबल है, बी कॉम्प्लेक्स एंड C, और पानी में सॉल्युबल है इसका मतलब ये एक्सक्रीट हो जाएंगे यूरिन के थ्रू, इसीलिए रेगुलरली चाहिए होते हैं डाइट के अंदर, ये क्वेश्चन आता है व्हाई विटामिन सी इज रेगुलरली नीडेड इन आवर डाइट्स, ये क्वेश्चन आता है व्हाई कांट विटामिन सी, व्हाई दिस विटामिन सी इज नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, क्लियर, व्हाई विटामिन सी इज नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, तो क्या आंसर आएगा, because it is water soluble and is excreted through urine, that's why it is regularly needed in our diet. ek vitamin B12 hai, vitamin B12 jo ki water soluble hai lekin kuch time ke liye store hota body ke andar, to uska itni requirement nahi hoti jitna baki B aur C ki requirement hoti hai. aur fat soluble ko yaad kar lenge, fat soluble isko ek word se yaad kar lenge, keda word se, KEDA, vitamin K, vitamin E, vitamin D, vitamin A, ADEK ya keda word se yaad kar lenge, these are fat soluble or oil soluble, तो ये मतलब कि मंथ्स तक रह सकते हैं, ये मंथ्स तक काफी टाइम तक रह सकते हैं बॉडी के अंदर बिकॉज दे आर फैट सॉल्युबल, तो इसलिए इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी बी और सी की है, बिकॉज ये तो हमें चाहिए होंगे डेली नीड्स की, है ना, विटामिन सी जो बोलते हैं आंवला खाना चाहिए, ऑरेंजेस खाने चाहिए, ठीक है, तो ये सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है विटामिन सी, तो अब नोट करेंगे यहाँ पे, अब इनकी डेफिशिएंसी होगी, अगर डेफिशिएंसी जनरली किसकी होगी, डेफिशिएंसी बी और सी की, इनकी अगर डेफिशिएंसी होगी जनरली बी और सी की होगी क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल है, तो उससे होगा ए विटामिनोसिस, डेफिशिएंसी अगर होगी तो ए विटामिनोसिस, समझे कि नहीं, और अगर एक्सेस में लेंगे, कई लोग होते हैं जो मल्टी विटामिन खाते रहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, विटामिन ई लेते हैं, मल्टीविटामिन्स भी लेते हैं, तो उनको ए और डी कई बार एक्सेस में हो जाता है, क्योंकि ए और डी हो सकते हैं एक्सेस में, क्यों एक्सेस में हो सकते हैं, क्योंकि फैट्स सॉल्युबल है, ए और डी क्या हो सकते हैं एक्सेस में हो सकते हैं, इसलिए इससे हो सकता है हाइपर विटामिनोसिस, इससे क्या हो जाता है हाइपर विटामिनोसिस, क्लियर, हाइपर विटामिनोसिस, पूरा लोग एक्सेस अगर होगा स्पेशली ए और डी का तो उससे होगा हाइपर विटामिनोसिस, ए और डी का अगर एक्सेस हो जाएगा देन हाइपर विटामिनोसिस, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, अब नोट कर लेंगे जल्दी से इसके टाइप्स, हालांकि तुम्हें सब याद करना है, फैट स्टोरिंग टिश्यूज कौन से बॉडी के अंदर, फैट स्टोरिंग टिश्यूज पता होगा बायो वाले बच्चों को, लिवर एंड एडिपोज टिश्यू, लिवर एंड एडिपोज टिश्यू, ये फैट स्टोरिंग टिश्यूज है, लिवर एंड एडिपोज टिश्यू, नोट करेंगे एक बार, अब विटामिन्स ये तुम्हें खुद याद करना है, तुम्हें दोबारा बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा तुम्हें इसका हिंट दे देता हूं कि कैसे याद करना है, और इसके क्वेश्चन भी आ रहे हैं, छोड़ना नहीं है कुछ भी, इसके क्वेश्चन भी आ रहे हैं, सही ना, विटामिन ए, एक एक करके मैं जल्दी से बताता हूँ, सुन लेंगे जल्दी से ताकि खत्म हो जाए टॉपिक, अब विटामिन ए, विटामिन ए हमारा जो बोलते हैं ना कि रेटिनॉल, इसका कॉमन नेम है, नाम लिखते रहेंगे रेटिनॉल, रेटिना से रिलेटेड है, नाम से पता लग रहा है, इसका मतलब इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, याद रखना इसकी डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेलेमा, नाइट ब्लाइंडनेस और जेरोप्थेलमिया, जेरोप्थेलमिया, जेरोप्थेलमिया,
और इसको बोलते हैं ना कि आंखों के लिए गाजर बहुत अच्छा होता है, तो कैरेट्स इसका बेस्ट सोर्स है। कैरेट्स हो गया, इसके अलावा बटर हो गया, कहीं कुछ भी नहीं आता तो मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसको तो भूलना ही नहीं है, मिल्क, कर्ड और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कहीं कोई भी सोर्स नहीं पता, अगरा सोर्सेज पूछते हैं बोर्ड के अंदर, तो मिल्क और क्या कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये तो तुम्हें बताना ही बताना है, मिल्क हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो इसका मेन सोर्स क्या है, कैरेट्स है, मिल्क भी है, बटर है, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब करना है इसके अंदर। दिस इज विटामिन ए, रेटिनॉल इसका कॉमन नेम है, रेटिनॉल इसका कॉमन नेम है। नेक्स्ट सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी वन बता रहा हूँ पूरे हम लोग, बी वन बी टू बी फोर बी सिक्स बी ट्वेल्व। बी फोर इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, तो उसको स्किप कर सकते हैं। बी वन का है विटामिन बी वन, पहले तो इसका केमिकल नेम याद करना है तुम्हें, थायमिन, ये 2020 के पेपर में पूछा हुआ है मेंस में, थायमिन, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, केमिकल नेम थायमिन। बी टू आ गया, बी टू का हमारा केमिकल नेम इसका राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन मैंने पीछे भी बताया था अभी ये एंजाइम्स के अंदर। बी फोर का नाइसिन, NIACIN, Niacin। चलो तुम लिख लेना NIACIN, Niacin। B6 का pyridoxine, और B12 का cyanocobalamin, B12 का cyano, 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 cyanocobala, COBALA, cyanocobalamin, MINE, cyanocobalamin, B12 का, B12 का cyanocobalamin। तो ये केमिकल नेम्स है, IIT मेंस से पूछे थे भी, इसलिए तुम्हें याद करना है। विटामिन ए का रेटिनॉल था। B1 सोर्स क्या है, B1 के सोर्स वही हो गया, मिल्क हो गया या फिर एग्स हो गए, मीट हो गया, या फिर लिवर हो गया, लिवर को कलेजा वगैरह जो होता है, या किडनी हो गया, ये सब इसके सोर्सेज हैं। ये सब क्या है, सोर्सेज हैं इसके। और डेफिशिएंसी डिसीज की क्या है, डेफिशिएंसी डिसीज B1 की हमारी बेरी बेरी, वो जो भूख कम ज्यादा लगती है ना, वो चीज है, लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम ज्यादा लगती है जो, बेरी बेरी डिसीज बोलते हैं इसको। विटामिन बी टू आ गया तो वही, इसमें भी वो लीवर, किडनी, एग वाइट, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब आ जाएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब आ जाएगा इसमें। और बी वन में ना एक ध्यान रखना, वो वीट ब्रांड सुना होगा ना, वीट ब्रांड, इसको चोकर वगैरह कहते हैं, चोकर जो आटे को लकी निकालने के बाद जो चोकर बचता है छानने के बाद, वो उसको भी बोलते हैं वीट ब्रांड, वो भी हमारा रिच सोर्स है विटामिन बी वन का रिच सोर्स है वो भी। नेक्स्ट अगर आ गया इसमें, और उसमें विटामिन बी टू में जो डेफिशिएंसी डिसीज है वो किलोसिस है, किलोसिस, वो उसमें क्या होता है, वो जो माउथ के कॉर्नर पे वाइटिश जो आ जाता है, वाइट पर आ जाता है ना जो, वो है, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन होता है स्किन के अंदर, तो ये विटामिन किसका है, ये विटामिन बी टू का डेफिशिएंसी डिसीज है ये। और फिर विटामिन बी फोर का पेलेग्रा होता है, डिटेल में नहीं दे रहा।